वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और पिछला जो हमने सेशन लिया जिसमें आपको वाटर कलर से रिलेटेड हमने कुछ सीखा टिप्स एंड ट्रिक्स, फिर आप ऐसे एक एक करके पिछला 21 डेज का भी जो एक मैंने प्रोग्राम लिया था जरूर आपने किया होगा, उसमें कुछ पेंसिल का काम था, वाटर कलर का था। तो चलिए अब हम लोग ने मीडियम जो टेक्नोलॉजी है आर्ट की, टूल्स एंड टेक्निक, उसका डिटेल में काम कर रहे हैं। तो आप एक्साइटेड हो, और अगर आप नए हो तो मेरे लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप रियली में इंटरेस्टेड हो और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरा जैसे जैसे नया एपिसोड आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप मेरे हाथों में पेंसिल देख रहे हैं तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो मैं कविता ठाकुर, क्रिएटिविटी अबंडेंस कोच, पिछले 17 ईयर्स से ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्ल्ड वाइड दे रही हूँ और अभी तक मैंने 10,000 से भी अधिक लोगों को इस 17 सालों में ट्रेन किया है, उससे भी ज़्यादा, लेकिन एक एवरेज 10,000 में देखती हूँ, और जिसमें से काफ़ी लोगों ने अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस आर्ट फील्ड में जनरेट किया है। तो आज हम थोड़ा पेंसिल के बारे में डिटेल समझते हैं। आप में से बहुत लोग को मालूम है, लेकिन कुछ एक लोगों को इसकी डिटेल इतना मालूम नहीं है कि कौन सी पेंसिल कब यूज करनी है। और हम लोग प्रोजेक्ट भी करेंगे तो उसके पहले समझ के लेते हैं। तो जैसे अब मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी, मेरे हाथ में आप ये कुछ पेंसिल देख रहे हैं, जैसे ये है हमारा अप्सरा नटराज, ऐसे हम लोग मोस्टली ये नटराज की पेंसिल यूज़ करते हैं, HB होता है, लेकिन हम जब पेंसिल स्केचिंग करते हैं तब हम लोग HB, 2B, 4B, 6B, 8B, इतना, ये क्या होता है सोच रहे होंगे, हम लोग जो यूज करते हैं इसमें आप देखना HB लिखा रहता है, लेकिन हम जब पेंसिल स्केचिंग सेटिंग ऐसे पोर्ट्रेट पेंसिल स्केचिंग करते हैं तब हमें इस पेंसिल की जरूरत होती है, जिसमें अलग अलग ग्रेड होता है। आप जो देख रहे हैं ये मैं जो कर रही हूँ और ये दिखा रही हूँ, तो HB लाइट होता है, 2B उससे डार्क होता है, 4B उससे डार्क होता है, तो जितना डार्क शेड चाहिए हम ये B ग्रेड की पेंसिल यूज करते हैं। और दोस्तों, आपने पहला मेरा एक एपिसोड में H और B का डिफरेंस मैंने बताया था, तो हम आर्टिस्ट लोग H ग्रेड की पेंसिल ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, वो स्पेशली इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर ड्राइंग के लिए होता है। तो चलिए हम अब थोड़ा डिटेल देखते हैं। और एक आप देख रहे होंगे ये कलर पेंसिल, तो ये भी हम लोग अच्छी क्वालिटी की, स्टेडलर की, अगर आप अच्छा ऐसा कलर पोर्ट्रेट बनाना हो तो इसमें मेरे पास 48 से भी ज़्यादा शेड्स हैं ये, है ना। तो अगर आपको एकदम ए ग्रेड का पोर्ट्रेट बनाना हो ऐसा कलर का, तो आप, मैंने जो यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है ये इम्पोर्टेड है प्रिज्मा का कलर पेंसिल, ये काफ़ी कॉस्टली आता है, फिर स्टेडलर का भी होता है अगर मैं पोर्ट्रेट करती हूँ तो, दूसरे रेगुलर काम करती हूँ तो दूसरा हमारा थोड़ा कम रेट का कलर पेंसिल यूज़ करती हूँ, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। बट अगर हमें अच्छा काम करना है ऐसे कलर पोर्ट्रेट, तो हमें अच्छी कलर पेंसिल यूज़ करनी है। तो अब मैं आपको ये तीनों चीज़ का दिखाती हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट पेंसिल में क्या ग्रेडेशन है और इससे क्या बना रहे हैं, और ये कलर पेंसिल क्या है, इससे क्या बन सकता है। तो आ जाइए हम लोग वो देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप लोग पेंसिल के बारे में समझ चुके होंगे, H2B, 4B, 3B, 8B, 6B, ये सब पेंसिल जो है हम पोर्ट्रेट स्केचिंग के लिए करते हैं, जिसमें फैबर कैसल या ब्रुस्टो का पेंसिल होता है। और ये कुछ सैंपल है ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट स्केचिंग का, और ये कुछ सैंपल है जो कलर कैरिकेचर और कलर रियल लाइफ स्केचिंग है। तो ये है पेंसिल का कमाल। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, मीन्स पेंसिल से हम कितने ग्रेडेशन की पेंसिल होती है जिससे हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को कुछ तो लर्निंग मिला होगा, कुछ भी टिप्स मिला होगा। तो दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक जो टेक्निक है मैं एक एक कवर कर रही हूँ, और ये भी मैं आर्ट कॉलेज लेवल का सिलेबस कवर कर रही हूँ, जो आप इंजॉय करेंगे और आपका जिसमें पैसन है वो काम कर सकते हैं। तो मेरे साथ ये छोटू भी कुछ बोलना चाहता है, बता दो। थैंक यू दीदी। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर चाहिए। मैं ब्लैक एंड व्हाइट हूँ, लेकिन मुझे कलर पसंद है। मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट हूँ, आप कलर वाला बनाना, उसे आपका कलर बनाया हुआ कोई स्केचिंग देखना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। हम लोग अगला एपिसोड में मिलते हैं, और आप जरूर प्रैक्टिस करना ये लेसन देखकर, और आप इस चैनल के सबसे थोड़े एक महीने पहले वाले एपिसोड में जाओगे तो आपको बहुत सारा लेसन मिलेगा पेंसिल से रिलेटेड, अलग अलग मीडियम से रिलेटेड। तो हम, मैं अब आपके लिए लेकर आऊँगी पेपर टेक्नोलॉजी और दूसरा और भी डिटेल, फिर धीरे धीरे हम एकदम एडवांस में जाएंगे और प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। तो कैसा लगा आपको, एक्साइटेड होना, और लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को भी मजा आ जाए ये देख के। तो मेरे साथ बोलिए, वाह क्या बात है।